नमस्कार, माई डिश माई जायका डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चना रेसिपी। चना रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, बेल बटन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। तो चना रेसिपी बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो मैंने यहाँ पर ली है। काला चना रेसिपी है, मुख्य तौर पर यह है प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, लेकिन जब प्रसाद के लिए हम चना बनाते हैं तो उसमें लहसुन और प्याज को यूज नहीं किया जाता है। तो याद रखें कि अगर आप इस रेसिपी को प्रसाद के लिए बनाएं तो लहसुन और प्याज को बिल्कुल यूज नहीं करें। मैंने यहाँ पर ये चने लिए, काले चने इन्हें बोला जाता है, तो मैंने इन्हें रात भर भिगो कर रखा है। इसे 7 से 8 घंटे तक भिगाना, भिगोकर रखना कंपलसरी होता है। और अगर आप नहीं भी भिगोना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट बॉईल भी करके बना सकते हैं, बट जब हम बॉईल करके बनाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना भीगे हुए चने में आता है। तो मैंने इन्हें रात भर भिगोकर रखा है। 250 ग्राम चने मैंने यहाँ पे लिए, एक बड़े साइज का प्याज कटा हुआ, एक बड़े साइज का टमाटर कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं बट सरसों के ऑयल में हम चने बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 कटी हुई हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की गलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिन्हें छील कर और कूट लें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कूटा हुआ यूज किया है। 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, 2 पिंच हींग पाउडर, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। और यहाँ पर हम टमाटर यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर नहीं यूज किया है। अगर आप अमचूर पाउडर यूज करना चाहते हैं तो 1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ले लें। काला चना रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भीगे हुए चने को बॉईल करना है, तो उसके लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें चने को हम डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, देखिए चने से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर पानी आए इतना ही पानी हमें इसके अंदर डालना है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे, अगर चने को ज़्यादा आपको फूला हुआ चना चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा खाने का जो सोडा होता है 1 पिंच सोडा आप डाल दें। और अब हम इसे कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर को गैस पे रख देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे और 4 सीटी आने तक हम चने को बॉईल करेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम चने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसे गैस पे रखेंगे। पैन के अंदर हमने जो ऑयल लिया है ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम जीरा डाल देते हैं। देखिए जीरा ब्राउन होने लग गया है, अब हम डालेंगे हींग और इसे हम ब्राउन होने देंगे। देखिए जीरा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। इसे मिक्स कर देंगे। मस्टर्ड ऑयल में अगर हम चने बनाते हैं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। देखिए प्याज को मैंने मिक्स कर दिया है, अब हम इसके अंदर हमारे पास जो
गार्लिक और जिंजर है इन्हें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। 30 सेकंड के लिए हम इन्हें पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। मिक्स करेंगे। और इसे हम प्याज के साथ पकने देंगे। प्याज जब तक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है तब तक हम इन्हें पकाएंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी हम कुछ देर प्याज के साथ फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। 30 सेकंड इसे भी हम पकाएंगे। 30 सेकंड हल्दी को पकाने के बाद अब डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। और टमाटर को गलने तक, सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। और ये देखिए टमाटर है अच्छे से गल चुका है, देखिए। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और दोनों को हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी, जिससे कि जो हमने सूखे मसाले डाले हैं ये अच्छे से पक सके। 2 चम्मच पानी मिक्स कर देंगे। और अब हम मसालों को कुछ देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें पकाना है। और ये हमारे चने भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इस पानी को सेपरेट कर देंगे। एक छलनी लेंगे और उसमें हम चनों को निकाल लेंगे। मैंने चने को छलनी में निकाल लिया है। और इसका जो पानी होता है, हमारे पास जो बॉईल किया हुआ पानी है, तो उस पानी को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये पानी आटा गूंदने में काम में आ जाता है, या फिर आप दाल बनाते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं, देखिए अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और ये जो हमारे प्याज टमाटर वाला जो मसाला हमने तैयार किया है चने के लिए, ये भी पूरी तरह से तैयार है, देखिए। तो अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए जो हमारे चने इन्हें डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मैंने चनों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है, देखिए चने के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालकर हम मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे, मिक्स कर देते हैं। नमक हमें चने के अंदर ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम नमक डाला था, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और अब हम इसे ढककर
3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। चने को 3 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चना है अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हरा धनिया डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और इस रेसिपी को प्रसाद के साथ हलवे में और चने दोनों को पसंद किया जाता है। बट जब प्रसाद के लिए रेसिपी बने तो इसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए और इसे चाट के तौर पर भी खाया जाता है। इसके अंदर कटे हुए प्याज और टमाटर डालकर और दही के साथ भी इसे खाया जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल mydishmyjayaka.com को वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर बेल बटन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।